नहीं कर सकेंगे, लेकिन जितनी कर सकते हैं उनको दावत है कि आइए और देखिए। जो लोग फिजिकली नहीं आ सकते उनके लिए एक है वर्चुअल टूर। वर्चुअल टूर आपको भी अपने इदारे का बनाना चाहिए, और अगर आप नहीं बनवाए तो हमसे बनवा लीजिए, हम आपके लिए बनवा देंगे। और आइए और अब आपको इसकी जगह से जाएगा। सबसे पहले तो जो लोग आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, जिन्होंने मेहनत की है, वो हमारे हीरो हैं। हीरो वो लोग होते हैं जिनसे हम सीखते हैं, जिनसे इंस्पायर होते हैं और उनकी तरफ प्रेरित होते हैं। ये वो कुछ चेहरे हैं जिनको हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं। ये हमारे डिफरेंट वॉल ऑफ हीरोज हैं। ये है इनक्यूबेटर, ये ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। इनक्यूबेटर के अंदर और ट्रेनिंग सेंटर में ये फ़र्क होता है कि ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कराई जाती है, जबकि सोशल मीडिया इनक्यूबेटर या इनक्यूबेटर के अंदर आपके ऊपर फोकस ये होता है कि माहौल ऐसा बनाया जाए जहाँ पर आप खुद ब खुद सीखने लगें। अगर आपको मैं यहाँ से उठा के जापान में फिट कर दूँ थोड़े दिन के लिए, तो आप जापानी खुद ब खुद सीखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पानी भी आपको जापानी में मांगना होगा, आपको खाना भी जापानी में मांगना होगा। इसी तरह से जब आप इस जगह पर आएँ तो हमारी पूरी कोशिश है कि माहौली तौर पर भी आप सीखते रहें, ना कि सिर्फ टेक्निकल चीज़ें सीखें। जब आप यहाँ बैठेंगे, चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, खाना खाएंगे, तो आप सीखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा रिसेप्शन का एरिया है। यहाँ पर आप आके एडमिशन की इंक्वायरी दे सकते हैं, रिहान ट्रेनिंग की इंक्वायरी दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आप इंक्वायरी के लिए आ सकते हैं। आप सबको हम वेलकम करेंगे। हमारे पास बहुत ही प्यारे से तैमूर भाई हैं और ये सबको बहुत अच्छी तरीके से मुस्करा के ग्रीट करते हैं। आप उनसे मुलाकात कीजिए, आइए इनके साथ बैठिए और उनके साथ गपशप लगाइए, आपको मजा आएगा। चलिए, फिर हमारे पास जो इस वक्त सबसे प्राइमरी टूल हम यूज़ कर रहे हैं आमदनी बढ़ाने का, वो है कैनवा और फाइवर। ये वो चंद लोग हैं जो कि डिस्क्लोज कर रहे हैं कि हम कैनवा और फाइवर की ग्राफिक की डिज़ाइन